रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम सुपर एक्सेलेंट एकेडमिक एंड इंटेलिजेंट बुक की इंटेलिजेंट टेस्ट नंबर 7 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट नंबर कम नेक्स्ट? 2+4=6, 6+6=12, 12+8=20, 20+10=30, 30+12 हमारा आंसर आया 42। क्वेश्चन नंबर 2, टोबैको इज टू पाइप, पाइप मीन सिगरेट, सिगरेट में तंबाकू इस्तेमाल होता है, जबकि कोल इज कोयला, ओवन चूल्हे में इस्तेमाल होता है, इसलिए हमारा आंसर आएगा ओवन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट नंबर कम नेक्स्ट? 3 का टेबल है, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, हमारा आंसर आएगा 18। नंबर 4, व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, हमारा आंसर आएगा 20। क्वेश्चन नंबर 5, इफ 2 2 0 आवर इज 10, यानी 2200 अगर 10 बजे हों तो फिर हमें लिखना है 6 नहीं तो 5, तो जहर है 2200 का मतलब ही 10 बजे हैं, आंसर आएगा 6। व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट? 1 2 0 -12, 1 0 8 -11, 97 -10, 87 -9, 78 -8, 70। क्वेश्चन नंबर 7, फिंगर इज टू एल्बो, अगर उंगली का ताल्लुक कोहनी से है, टो का ताल्लुक जहर है, टो का ताल्लुक घुटने यानी नी से होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन वर्ड डज नॉट बिलोंग टू लिस्ट? पाउंड, ओंस, स्टोन, ये छोटी इकाई है, स्टोन 6 point something किलोग्राम, ओंस ये सोना वगैरह इसी से मैयर किया जाता है, पाउंड आधा किलो, जबकि टन 28 मन का एक टन होता है, इसलिए ये बड़ी इकाई है, ये इनमें डिफर करती है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ 6 and 5 make 10, गलत बात है, 6 और 5 11 होती हैं, यहां 10 है, राइट 3 एज योर आंसर अनलेस 4 and 4 make 4, 4 और 4 8 बनाते हैं, देन राइट 4 एज योर आंसर इज 4, 4 और 4 8 होते हैं, जाहिर है इसलिए हमारा आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट लेटर कम नेक्स्ट इन सीरीज? ए बी सी, ए और सी के दरमियान एक अल्फाबेट का गैप है, सी और एफ के दरमियान डी और ई दो अल्फाबेट का गैप है, एफ और जे के दरमियान 3 अल्फाबेट, जी एच आई का 3 अल्फाबेट का गैप है, जबकि जे और ओ के दरमियान के एल एम एन 4 अल्फाबेट का गैप है, और ओ और यू के दरमियान हमारा 5 अल्फाबेट पी क्यू आर एस टी का गैप होगा, इसलिए हमारा आंसर आएगा यू। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन सीरीज? 11 multiply 2 -1 21, 21 multiply 2 -2 40, 40 multiply 2 -3 77, 77 multiply 2 -4 150, 150 multiply 2 -5, हमारा आंसर आएगा 295। क्वेश्चन नंबर 12, सिंगल इज टू डबल एज 1 is to 2। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? प्लीडर, नया वकील, स्टूडेंट वकील, कुक खाना पकाने वाला, मैजिस्ट्रेट, जज और एडवोकेट, ये सबका तलक अदालत की कार्रवाई से, एडवोकेट, जज, मैजिस्ट्रेट और प्लीडर, नया वकील, इनका तालक अदालत से है, जबकि कुक का तालक किचन से है, इसलिए हमारा आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14, बुक इज टू टाइटल एज मैन इज टू नेम। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क? 29+35 64
इसी तरह 43 + 20 = 164, इनको हम डिवाइड करेंगे, दोनों इधर से जमा करें या इसको इसके साथ जमा करें, तो उसको डिवाइड करें तो हमारा आंसर दोनों लिहाज से 32 आएगा। इसी तरह 24 और 38 को जमा करें और उसको दो पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 31। इस तरह 39 + 23 हमारा आंसर आया 62, तो इसको डिवाइड किया टू पे तो हमारा आंसर आया 31। इस तरह 58 + 28 हमारा आंसर आया 86। इस तरह 37 + 49 हमारा आंसर आया 86। 86 को जब हमने टू पे डिवाइड किया हमारा आंसर आया 43। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क 4 × 9 / 6, आंसर आएगा 6। 7 × 6 / 14, आंसर आएगा 3। 8 × 12, आंसर आया 96 / 16, हमारा आंसर आया 6। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क 36 का हाफ है 18, इसी तरह 42 का जो हाफ होगा वो 21, हमारा आंसर आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी कंप्लीट टर्न मस्ट लॉन्गेस्ट व्हील मेक इन ऑर्डर टू ब्रिंग द व्हील बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। तो डियर स्टूडेंट, पहले भी डिस्कस हो चुका कि दरमियान वाले दोनों गियर को आपने जब मल्टीप्लाई कर देना है तो आंसर आ जाएगा 8, 7, 56। हमें इस गियर को भी नहीं देखना, हमें लास्ट वाले को भी नहीं देखना, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, चार गियर जब भी आ जाए तो हमारा आंसर आएगा 56। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क 8 + 4 = 12 1 + 1 2 2 + 1 3 6 + 3 9, तो हमारा आंसर आया 26। इस तरह 9 5 + 1 6, 1 + 5 6 4 + 1 9, तो इनको जब हमने जमा किया तो हमारे पास आया 26। इसी तरह 1 + 7 8 5 + 5 10 5 और इसमें से जो 26, ये सारे बनते हैं 23, इसमें से हमने 3 जमा किया तो हमारे पास 26, यहां भी 26 और यहां भी 26, हमारा आंसर आया 3। ये 3 क्वेश्चन आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क 2 + 7 = 9 1 + 8 = 9 3 + 6 = 9 4 + 5 = 9 8 + 5 = 13 6 + 7 = 13, हमारा आंसर आया 13। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क योर स्टूडेंट 1 + 6 = 7 + 5 = 12 + 4 = 16 + 3 = 19 + 2 = 21 + 1 = 22, हमारा आंसर आ रहा है 21। ये क्वेश्चन मार्क की जगह जिस चीज ने आना है वो हमने लिखने हैं, हमारा आ रहा है 21। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क 8 + 7 + 3 + 4 + 1, टोटल किया जमा किया तो 23, इसी तरह
6 + 6 + 5 + 5 + 3 हमने टोटल किया तो हमारे पास आया 25 4 + 8 + 3 + 5 हमने टोटल किया तो हमारे पास 20 आया जिसमें हमने 7 जमा किया हमारा हमें यहां रिक्वायर जो हुआ चाहिए 23 या 25 और यहां 27 तो इसमें 7 कम हो रहा है इसलिए हमारा आंसर आएगा 7 क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क 62 से 26 बना दिया गया 94 से 49 बना दिया गया उल्ट कर दिया गया 17 से 71 बना दिया गया 95 से 59 बना दिया गया और 45 से 54 बना दिया गया और 21 से हम बनाएंगे 12 हमारा आंसर आएगा 12 क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क 92 द 18 83 द 24 24 में से 18 निकाले तो 6 इसी तरह 7 3 द 21 5 4 द 20 तो 7 21 में से 20 निकाले तो 1 इसी तरह 5 3 द 15 6 2 द 12 15 में से 12 निकाले हमारा आंसर आएगा 3 क्वेश्चन नंबर 25 व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क 3 + 1 4 7 + 1 8 6 + 7 13 6 + 1 7 1 + 9 10 तो इन सबको हमने जब ऐड किया हमारे पास आया 42 83 मीन 8 + 3 11 6 + 1 7 5 + 3 8 2 + 9 11 2 + 3 5 हमारा आंसर आया 42 इसी तरह 7 6 + 1 7 7 + 0 7 3 + 7 10 तो इनमें से जो शॉर्ट हो रहा है 42 में से वो 11 हो रहा है इसलिए हमारा आंसर आएगा 11 मीन 7 + 4 11 7 + 4 11 आंसर आया 11